मेले ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम जिस मेले के बारे में चर्चा करेंगे उसका ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व है। आप मेरे पीछे जो पहाड़ियां देख रहे हैं, ये पहाड़ियां हैं काटेड़ा क्षेत्र के गांव सिंधोलियां की। यहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बस स्टेशन है अजमेर रोड पर, जिसका नाम है भोपोलाओजी नाम के पीछे भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्राचीन काल में व्यापारी लोग जो माल ढुलाई का काम करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, वो गोवंश और घोड़ों पर करते थे और अपने रात्रि विश्राम के लिए एक तालाब या नाडी बनाते थे। उनके नाम भी विशेष प्रकार के होते थे, जैसे चोखोलाव, भांगोलाव, दादोलाव, हालोलाव, गुंदोलाव। इसी क्रम में ये नाम से इस स्थान का नाम भोपोलाओजी पड़ा। इस भोपोलाओ नामक तालाब के किनारे जोधपुर नरेश भक्त सिंह का समाधि स्थल या शहीद स्थल बना हुआ है, जो पशुपतिनाथ के मंदिर के रूप में। यहाँ पर प्रतिवर्ष दशहरे का मेला लगता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जोधपुर नरेश भक्त सिंह जयपुर नरेश पर युद्ध अभियान चलाते हुए इस स्थान तक आ पहुँचे थे और जयपुर नरेश, जिनके यहाँ भक्त सिंह ने अपनी बहन भी ब्याह रखी थी, जयपुर नरेश भक्त सिंह के युद्ध अभियान को रोक पाने में असमर्थ हुए और उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी पत्नी, जो कि भक्त सिंह की बहन भी थी, उसको उन्होंने तैयार किया और उसके शरीर पर लोहे का एक कवच पहनाया और उस पर एक विशेष प्रकार का जहरीला रसायन लगाया और उसे भक्त सिंह के पास भेजा गया। भक्त सिंह जब इस भोपोलाओजी नामक तालाब में स्नान करके बाहर निकल रहे थे, उसी समय जब बहन उनके पास गई तो भारतीय रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार जब एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार से मिलता है तो वो गले लगता है। गले लगते समय भक्त सिंह का शरीर अर्धनग्न था। बहन के गले लगते ही उस लोहे के कवच पर लगा हुआ विशेष प्रकार का रसायन भक्त सिंह के शरीर से स्पर्श हो गया और भक्त सिंह वहीं मौके पर ही जलन महसूस कर मर गए। उसी स्थान पर उनका स्मारक बनाया गया, जहां प्रतिवर्ष विजयदशमी को मेला लगता है। चल चल ठीक रही, एक बार बोल दो जोर। आज मेला में एंजॉय करते हुए चंचल यूट्यूब चैनल पे चलो। Thank you.
भोपाल जी नामक स्थान से भक्त सिंह के संबंध में जो स्थानीय मान्यता है, इसकी प्रमाणिकता तो इतिहास के अन्वेषक ही बता सकते हैं, किंतु मैंने अपने स्तर पर कुछ इन तथ्यों का परीक्षण करने की कोशिश की तो मैंने पाया सिंह जोधपुर नरेश अजीत सिंह के बेटे थे और इनका जन्म जोधपुर के मेहरानगढ़ में 16 अगस्त 1706 को हुआ था। इनका राज्याभिषेक जुलाई 1751 में हुआ था। 21 सितंबर 1752 में एक सिंधोली नामक स्थान पर हुई और जो गांव में सिंधोलिया जिसको बता रहा हूं आपको, संभवतः यही वो सिंधोली नामक स्थान हो सकता है। हालांकि इनकी इतिहासकारों का वैमत्य है, फारसी इतिहासकार मानते हैं कि भक्त सिंह की मृत्यु हैजे के कारण हुई, जबकि वीर विनोद के अनुसार माधो सिंह प्रथम ने उनको जहर दे करके मारा था। कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु को रहस्यमय मानते हैं या अचानक हुई। राम अपने आप मर जावता कर 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 घोटा का जगह खाली रही है भाई। गुड़ देना डीन मेल दे सोना टैक्ट 50 रुपये हो, 500 रुपये हो, टॉफी वाला भाई साहब ने पकड़ा के इस परंपराओं को लोग जीवित रख रखे हैं। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नंदकिशोर जांगिड़। निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान। नंदकिशोर जी जांगिड़ ग्राम पचेवर से यहाँ अपनी दुकान लेके आए हैं और आप देख सकते हो ये डीजे, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो नंदकिशोर जी ये आपके हाथ का बनाया हुआ खुद का जी, और मेलों में अक्सर इनको आप बेचते हो? बेचते हैं आज। तो लगभग इसकी रेट क्या है? इसकी रेट 500 रुपये। तो ये किस लकड़ी का बना हुआ है सर? ये न्यू बोर्ड का बना हुआ है, बीच के अंदर फ्रेम है इसके अंदर। अच्छा, फ्रेम किसका? लकड़ी का। लकड़ी का। अच्छा। और टायर है इसके लकड़ी के बने हुए हैं। ये ले, मैं नंदकिशोर जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने पर्यावरण के अनुकूल खिलौने लाए हैं। प्लास्टिक के खिलौने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उसको यूज एंड थ्रो करते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ये लकड़ी आपको टूटने के बाद भी घर में जलाने के काम में आ जाएगी, आ जाएगी। और ये पर्यावरण को किसी भी आकार से ये रही है साहब, दही में से मतनी, दही खिलौने की घी निकालने के लिए। तो अभी भी लेते हैं लोग इसको? हाँ लेते हैं। ये हर घर की पहले चाहत होती थी, आज गाय भैंस घरों में कम रहने लग गई, फिर भी अभी ये परंपराएं चल रही है, लोग इसको मतनी को काम में लेते हैं। और ये क्या चीज है साहब? ये बच्चे, छोटे बच्चे होते हो ना, उसको पग चलाना सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आप अपने बच्चे, आपके बच्चे 6 महीने 12 महीने के हैं और उनको आप चलाना सिखाना चाहते हो, ये परंपरागत सहारा था बच्चों का गांव में। आज आधुनिक आपके जो वॉकर आ गए हैं वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लास्टिक के आते हैं वो सब, फाइबर के होते हैं। ये लकड़ी का है और इसको बच्चा आराम से चला करके सहारा, ये इसके जो पहिए हैं लकड़ी के हैं और ये चलते हैं। इसका नेग ही लगता है वो कि अच्छा अच्छा सीख जाता है। यहाँ गाँव में आज भी ये परंपरा है, जब भी किसी के घर में बच्चा या बच्चे का जन्म होता है तो इनको नेग दे करके उस बच्चे को चलाने के लिए ये लेकर जाते हैं। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी 150 रुपये है। बहुत बहुत ही कम कीमत, मात्र 150 रुपये। आपके नंबर भी बोल दो अगर ग्राहक आपसे संपर्क करना चाहे तो, मोबाइल नंबर इसमें बोलो आएगा आपके पास। नंबर है 99 82 67 74 निवासी। इन पे आप संपर्क करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। और बच्चे का नंबर है अवधेश कुमार जांगिड़ा बच्चा, 97 72 056 163। अच्छा, बच्चा नहीं आवाज बाबू के लिए हाथ पकड़ते हैं फोटो खाते। हाँ देख फोटो आ रही है, फोटो देख आगे देख फोटो। आगे बढ़े, ये बहुत ही फेमस है। अगर आप कभी भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में डिग्गी के मालकों की लिख लो तो डिग्गी के बड़े आसपास के एरिया में लकी यात्राएं जो निकलती है उनमें फेमस है। तो क्या बात दे रहे हो साहब? 20 के 100 ग्राम बहुत ही सस्ते रेट में है, 200 रुपये किलो नमकीन के भाव और शानदार बड़े। क्या विशेषता है इनकी? किस दाल चौड़ा की दाल की पकौड़ी है पास में हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये दाल है चमड़े की, प्याज के बड़े।
बहुत शानदार मेले में आए हो तो आप जरूर इसका आनंद लें। और आपका क्या नाम है? ये वीरेंद्र सिंह जी का, ये टिक्की के बड़े बहुत फेमस है, आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे। और जगह पकौड़ी मिलेगी लेकिन टिक्की में आपको बड़े मिलेंगे। हर माल सर जी 80, 70, 100, 40 और ये 120 सब चलती है। हर जोड़ी गाड़ी